Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Zakat. So, Zakat is a religious tax that was levied on Muslims. Okay. Now, to understand this Zakat term or terminology, although we know that Zakat was a religious tax, it was levied on the Muslims, but try to understand its background. Now, the fiscal policy of the Sultanate was based on the theory of taxation. Taxation which was propounded by the Hanafi school of thoughts. Okay, in which it prescribed that the levy of the five different types of taxes. Among them, the first one is Zakat. Zakat kya hai? Ye religious tax hai. Zakat is a religious tax that was paid by Muslims for the benefit and the welfare of their co-religionists. Uska aim kya tha? For the benefit plus welfare for the co-religionist, that means the Muslims. Okay, it was iska jo rate tha, it was charged at the rate of 2.5% of the actual income jo bhi aapki actual income hai or the property. ओके नेक्स्ट जो टैक्स है जो कि हनाफी स्कूल ऑफ थॉट्स में प्रपोज किया गया दैट वाज़ दी खराज टैक्स. ये खराज टैक्स है, ये है एक लैंड रेवेन्यू टैक्स है. ये लैंड रेवेन्यू टैक्स जनरली इट वाज़ चार्ज एट द रेट ऑफ 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसका 1/3 हिस्सा, एंड वाज़ पेबल इन बोथ कैश, आइदर कैश में आप दे दो आइदर काइंड में आप दे दो. काइंड इन द सेंस दैट जो भी आपका एग्रीकल्चर का शेयर है वो डायरेक्टली आप उसको दे दो, कैश में ना देके. थर्ड है खम्स. सो ये है, ये जो टैक्स है इट रिफर्स टू द स्टेट शेयर ऑफ बूटी एक्वायर्ड बाय द सोल्जर्स इन कोर्स ऑफ वॉर. अगर कोई भी एक स्टेट के सोल्जर्स दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और उन्होंने उससे वॉर लड़ी और वो जीत गए, सो जो भी जो वॉर बूटी वो एक्वायर्ड करेंगे उन उसको सोल्जर्स को स्टेट को वो टैक्स देना पड़ेगा, एंड इट वॉज यूजली 1/5 ऑफ द वॉर बूटी. ओके जजिया. सो इट इज अ टैक्स चार्ज्ड फ्रॉम हिंदूस, ठीक है, इन देयर कैपेसिटी एज जिम्मीज और द धिम्मीज. नाउ नेक्स्ट इज द उशर. जो उशर है इट वॉज अ लैंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम पीजेंट्स, कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम पीजेंट्स. नाउ सी द ज़कात टैक्स इन डिटेल. सो ज़कात क्या है? इट वॉज अ रिलीजियस टैक्स लिवाइड ऑन द मुस्लिम्स और दिस वॉज केप्ट इन द स्पेशल ट्रेजरी ऑफ दीवान ए रिसालत, ठीक है. जो ज़कात है it's a religious tax and it was kept in the special treasury of Diwan e Rasalat. aur ye jo Diwan e Rasalat hai ye head kon karega? It was headed by Dabir e Mulk. तो ये जो ज़कात है इट्स एन अरेबिक वर्ड और ये एक ऑब्लिगेशन है, दैट इज द ऑब्लिगेटेड टैक्स रिक्वायर्ड ऑफ मुस्लिम्स और इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइव पिलर ऑफ इस्लाम, वन ऑफ द फाइव पिलर ऑफ इस्लाम. और इसका जो रेट ऑफ टैक्सेशन है इट वॉज 2.5% ऑन द प्रॉपर्टी रिलाइज फ्रॉम द मुस्लिम्स और 1/40
ऑफ दी वंस प्रॉपर्टी, 2.5% आइदर द 1/40th पार्ट ऑफ दी वंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ये जो जकात है, इट वॉज नॉट अ सिंगल टैक्स, इट वॉज नॉट अ सिंगल रिलीजियस टैक्स, सो इट आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ टैक्सेस, और उनको अगर हम कलेक्टिवली कलेक्ट करेंगे तो वो जकात होगा, ओके। सो जकात इज इन कलेक्टिवली और इज अ रिलीजियस टैक्स दैट वर कलेक्टिवली नोन एज द जकात, इट वॉज नॉट अ सिंगल टैक्स, ठीक है। सो जकात जो है वो सेविंग्स पे होगा इफ योर वेल्थ इज अबव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो लेट्स से किसी की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टेट ने 50 सेट कर दिया है, 50 रुपीज, और अगर आपकी 55 है तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है उस पर जकात लगेगा, ठीक है। सो जकात इज ऑन द सेविंग इफ योर वेल्थ इज अबव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। मुस्लिम्स ऑल्सो पेड, सो इट वॉज अ टैक्स पेड ऑन द मुस्लिम जकात। अच्छा मुस्लिम्स ऑल्सो पेड अनदर फॉर्म ऑफ द टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर दैट इज कॉल्ड द उश्र, हमने देखे दैट वॉज द लैंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम पीजेंट्स। जो जकात है इट वॉज डिवाइड ऑन द 5 कैटेगोरीज ऑफ द पीपल, ठीक है। नाउ 5 कैटेगरीज, वॉट आर दोज 5 कैटेगरीज, जकात इज ऑन डिवाइड ऑन द 5 कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स के आर्टिकल्स होंगे या कमोडिटीज होंगे उस पर लगेगा। सेकेंड इज फ्रूट्स, थर्ड जो लगेगा वो लगेगा एनिमल्स पे, सच एज कैटल हो गए, कैमल्स हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए एंड एटसेट्रा। फोर्थ इज प्रीशियस मेटल्स पे, गोल्ड एंड सिल्वर हो गए। फिफ्थ इज ऑन मूवेबल गुड्स। अच्छा ये जो टैक्स है इट इज पेबल ईच ईयर, ओके, इट इज पेबल ईच ईयर, एक साल में एक बार आपको करना है, ठीक है। आफ्टर वन ईयर पोजेशन, आफ्टर वन ईयर पोजेशंस। सो ये जो टैक्स है इट लिवाई रिक्वायर्ड बाई द रिलीजियस लॉ वेरीज विद द कैटेगरी, सो इट वॉज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। सो ये जो टैक्स है इट वॉज लिवाइव रिक्वायर्ड बाई द रिलीजियस लॉ, बट एट द सेम टाइम्स इट वेरीज विद द कैटेगरी, इट वॉज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर। अच्छा अब कौन कौन से रिसिपियंट्स होंगे जकात के, सो द रिसिपियंट्स ऑफ द जकात इंक्लूड द पुअर, नीडी और the collector themselves, and those who heart it is necessary to conciliate, that is the discordant tribesmen, debtors, volunteers in jihad, holy wars and the pilgrims as well, okay। acha ye jo tax hai ye significant ek tax hai, that is you have to pay 1/40th% of your property। now sometimes kya hota tha, जैसे अगर कोई आपका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 और आपके पास है 80, तो जो डिफरेंस है 30 उस पर आपको टैक्स देना है। लेकिन समटाइम्स क्या हो, जो एक पर्सन है वो ये दूसरा 30 के अकाउंट में दिखा देता था, दैट इज़ उसके पास तो 50 है, जो एक्स्ट्रा है वो बेनामी ट्रांजेक्शन कर देता था दूसरे के नाम पर इन ऑर्डर टू इवेट दिस टैक्स, ओके। सो ये कुछ जगह एविडेंट होता है इन ऑर्डर टू स्केप द पेइंग ज़कात, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, उन्होंने जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है यूज टू ट्रांसफर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू स्केप दिस टैक्सेशन, ओके। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम, व्हिच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज़कात। सो ज़कात वॉज अ रिलीजियस टैक्स लिवाइड ऑन द हिंदूज। Second statement says the zakat tax levied required by the religious law or uniform with all categories. You have to choose the correct answer in order to attempt this question. Please pause this video screen and write your answer in the comment section below. Now first option is A only, 1 only, B is 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 and 2. So you have to choose the correct answer. Here the correct answer will be C. It is because here both the statement your incorrect is asked, not correct is asked. If the correct option is asked, then you have to choose the neither of the one, neither two statement is correct. Here the both the given statements are incorrect. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.